क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। पारशिवनी तहसील के घोगरा महादेव स्थित तीर्थ स्थल में दर्शन के लिए आए एक युवक की पेंच नदी के गहरे पानी में डूबकर मृत्यु होने की घटना 17 मार्च को हुई थी। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सत्यम अशोक साहू, उम्र 19 वर्ष, बीड़ीपेट, नागपुर, अपने तीनों दोस्तों के साथ इतवार के दिन छुट्टियां मनाने के लिए घोगरा महादेव परिसर में आया था। परिसर में घूमने आने से तीनों ने पेंच नदी में डुबकी लगाई और इसी बीच सत्यम साहू पानी में डूबता चला गया। वह पानियों के गहराई में बाहर नहीं आने से वही पानी में डूब गया। इस घटना की जानकारी तात्काल पारशिवनी घटना पुलिस को दी गई। वही तहसीलदार भंडारकर को भी घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही तहसीलदार सरकारी महकमे के साथ घटनास्थल पर आकर मुआयना कर शव को पानी से निकालने के लिए स्थानीय घटनास्थल पर तुरंत आराम ऑपरेशन चला गया। इसी बीच पुलिस अधिकारी रमेश बरकत पारशिवनी, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार थोरात, तहसीलदार राजेश भंडारकर के साथ सहकारी महकमा मौजूद था। शव को पानी से बाहर निकालने के लिए केंद्रीय NDRF एवं राज्य SDRF बचाव दल को बुलाया गया, जहां दोनों टीमों ने पेंच के घोगरा डोह में शव की तलाश की, मगर दोनों टीमों को शव पानी में नहीं मिला। लगातार दो दिन तलाश करने पर शव नहीं मिला। मंगलवार की सुबह फिर से दोनों टीमों ने पानी में शव की खोजबीन करने के लिए पानी में तलाश की। आखिरकार शव को ढूंढने में NDRF एवं SDRF की टीम को कामयाबी मिली। तहसीलदार राजेश भंडारकर, पुलिस निरीक्षक राजकुमार थोरात खुद मौका स्थल पर मौजूद थे। वही केंद्रीय NDRF एवं पुलिस के निरीक्षक ब्रजेश यादव, पुलिस निरीक्षक देव खोबरागड़े के नेतृत्व में SDRF टीम ने सहयोग किया। दिनांक 17/3/2024 रोजी दुपारी 1:30 सुमारास घोगरा महादेव येथे पाण्यामध्ये खेळत असताना एक मुलगा बुडाल्याची आम्हाला माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ घटनास्थळी गेलो, तसेच तालुका आपत्ती व्यवस्थापन आपदा मित्र यांची मदत घेऊन तिथं सदर मुलाला शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। तिथं अधिक माहिती घेतली असता 3 जण सोबत नागपूरवरून घोगरा महादेव इथे फिरायला आले होते आणि ते पाण्यामध्ये उतरले होते। पाण्यात खेळत असताना सत्यम अशोक शाहू, वय 20 वर्ष, बीडीपेट, नागपूर, हा त्याचा पाय घसरून आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो खोल डोहात जाऊन तिथं तो बुडून बुडाल्याची आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्या अनुषंगाने आपण तात्काळ SDRF, त्यानंतर NDRF, त्यानंतर स्कूबा डायव्हर्स वगैरे बोलावून त्याचा आजपर्यंत शोध घेतला। आज त्याची बॉडी मिळून आलेली आहे आणि आता पुढील पोलीस कारवाई चालू आहे। सदरचा मुलगा ज्यावेळेला बुडाला तर बघणारे तिथं साक्षीदार आहे, तिथला पुजारी आहे आणि समितीचेही काही लोक आहेत, त्यामुळं तरीही याबाबत पोस्टमार्टम आणि बाकीच्या गोष्टी जशा रिव्हील होतील त्या पद्धतीने पुढील कारवाई करण्यात येईल। NBC न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।